सलाम नमस्ते हेलो किम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए बाई पीयूष सर पे तो दोस्तों जी ए जी के जी एस के वन स्टॉप सेंटर पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए जहां भी कर सकते हैं जित जहाँ भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों आप, आप आपका ये अपना चैनल है इसे जहां तक पहुँचाइए जहां तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों पहुंचाइए दोस्तों पेपर पे लेके बैठ जाइए दोस्तों क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा देर इज़ नो अर्निंग विदाउट लर्निंग सीखना बंद तो जीतना तो दोस्तों चलिए कुछ नया सीखते हैं सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर की क्लास में दोस्तों आज 14 फैब है यानी कि दोस्तों आज जो है प्यार का दिन है प्यार केवल जो है दोस्तों वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही नहीं होता माँ बाप से भी होता है दोस्तों आ, अपने गुरु से भी होता है गुरु शिष्य का भी होता है दोस्तों एक प्यार और अफेक्शन ही है जो हम लोग निस्वार्थ जुड़े हुए हैं दोस्तों आ, एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतना प्रेम करते हैं निस्वार्थ रूप से वो जो है दोस्तों मेरे सेशन को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्कस करते हैं गुरु की सेवा में एक ये काम भी करते हैं उनको मुझे लगता है जैसे ये उनका चैनल है वो जो है इस चैनल को बढ़ाने के लिए एकदम परेशान रहते हैं सर आप पेड बैच कब कर लॉन्च करेंगे सर हमें जो है पेड बैच लेना है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो है यही प्यार को दर्शाता है प्यार जो है ना बोल के नहीं होता आई लव यू ये तो दोस्तों एक फीलिंग है जो कि खुद ही पता चल जाती है कि आपसे कौन प्यार करता है वो तो दोस्तों फीलिंग है बिना बताए ही पता चल जाता है कि आपसे कौन प्यार करता है आपको पता होगा कि आपको आपके कौन से भाई बहन बहुत प्यार करते हैं कौन सा दोस्त आपको बहुत प्यार करता है कौन मम्मी पापा में से कौन आपको ज़्यादा प्यार करता है आप किसे ज़्यादा प्यार करते ये तो बस पता चल जाता है ये किसी को बताना नहीं पड़ता जताना पड़े तो फिर वो प्यार नहीं है तो दोस्तों प्यार के इस आज खास दिन वैलेंटाइन डे पर आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी लोगों को ठीक है चलिए दोस्तों पी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं सारे जो है अलग अलग तरीके से आप लोगों को दोस्तों जो है कंटेंट देने वाला हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में रील्स के फॉर्म में तो अब यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग एक्टिव होंगे अभी तक मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर लेकिन भाई उसको भी जो है हमें करना है ठीक है करंट अफेयर की क्लास दोस्तों कल हुई है रात को नौ बजे और ये आज भी रात को नौ बजे होगी आज भी दोस्तों ये आज रात को नौ बजे होगी इसका सेकेंड पार्ट होगा ठीक है ये क्लास जो बारह बजे होती थी दोस्तों इसका टाइम कुछ इधर उधर हो रहा है तो ये एल आई सी एडीओ वाली क्लास दोस्तों ये आपकी कितने बजे होगी ये आपकी जो दो है दोस्तों सिक्स पी एम पे होगी सिक्स पी एम पे क्योंकि नाइन पी एम पे हम लोग वीकली चला रहे हैं तो इसलिए इसको सिक्स पी एम पे कर दिया है तो छः ए एम छः पी एम आपको रखना है अपने लिए इंश्योरेंस की पाठशाला इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल करेंट अफेयर अवेयरनेस की क्लास यहाँ पर हो रही है दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से गेम चेंजर बैच में दोस्तों फिफ्टी एट लेक्चर्स मैंने जो है चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं जिसमें मैंने बैंकिंग अवेयरनेस फिनेंशियल अवेयरनेस को पढ़ाया है अभी मैं दोस्तों बहुत जल्दी एल के लिए और बाकी बैंक एस एस रेलवे के लिए आ, दोस्तों इंडियन इकोनॉमी और फिनेंशियल मैनेजमेंट की दोस्तों एक क्लास लेके आ रहा हूँ फिनैंशियल अवेयरनेस की इंडियन इकोनॉमी पे जो आपके हर एग्ज़ाम में आई तक में काम आएगा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक की इकोनॉमिक्स आप लोग को पढ़नी पड़ती है दोस्तों एक तो उन सब के काम आने वाला है तो इंडियन इकोनॉमी तो दोस्तों ये बैच आप लोगों के लिए बहुत निर्णायक है एल आई के लिए भी और दोस्तों जाइ काइब वालों के लिए भी हर तरीके से स्टैटिक जीके की क्लास है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं आप लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों जनवरी मंथली करंट अफेयर की क्लास जनवरी मंथली करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों यहां पर जो कि मैंने कराया हुआ है तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है आइए दोस्तों अच्छा जनवरी मंथली के एक दो क्लासेस मेरे बचे हुए हैं जब ये वीकली कंप्लीट हो जाएगा तो जनवरी मंथली करंट अफेयर की जो दो क्लासेस बची हुई हैं वो मैं रात को नौ बजे शुरू कर दूंगा ठीक है तो अभी मंथली वाला बचा हुआ है ठीक है लेकिन क्योंकि वीकली कराना था इसलिए मंथली को मैंने रोका हुआ है एक दो दिन के लिए ठीक है दोस्तों आइए शुरू करते हैं द वर्ल्ड गवर्नमेंट सरमिट इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी विश्व गवर्नमेंट सबमिट दोस्तों किस शहर में शुरू होने वाला है तो दोस्तों ये जो है दुबई में शुरू होने वाला है दुबई कहाँ है दोस्तों सात सुल्तानों के सल्तनत संयुक्त अरब अमीरात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। वैसे यूएई की कैपिटल जो है वो है अबू धाबी और दिरहम यहाँ की करेंसी है दोस्तों लेकिन दुबई जहाँ आईसीसी का हेड क्वार्टर है इन्फिनिटी ब्रिज है फ्यूचर का म्यूजियम है आइन दुबई विल है दोस्तों बुर्ज खलीफा है और क्या क्या है बहुत कुछ है होम्योपैथिक सबमिट भी दोस्तों यहाँ पर हुई थी ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यहां पे मिश्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी आएंगे तुर्की के राष्ट्रपति दोस्तों एर्दोगेन भी आएंगे और सेनेगल के राष्ट्रपति भी आएंगे दोस्तों तो बहुत सारे लोग यहां पर आने वाले हैं तेरह फरवरी यानी कि दोस्तों ये तो कल हुआ होगा ठीक है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 130 मिलियन डॉलर एक हजार बहत्तर करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी दी है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों लोन दिया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम्स को बढ़ाने के लिए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो दोस्तों 1966 में आई थी 68 कंट्रीज दोस्तों इसकी मेंबर है फिलीपींस के मनीला के मंडल में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और मसत सुगु असाकावा इसके हेड हैं और अशोक लवासा इसके वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे अभी दोस्तों हमारे यहां राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में दो इलेक्शन कमिश्नर हैं एक है अरुण एक है अनूप ठीक है दोस्तों अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहा है दोस्तों फार्मा में के लिए जाना जाता है सर्वाधिक हिंदू परसेंटेज वाला राज्य है समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है जहां दलाई लामा रहते हैं दोस्तों लिटिल बुक ऑफ जॉय उनकी बुक लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला है सुखविंदर सिंह सुक्खू के चीफ चीफ मिनिस्टर है। मिनिस्टर हैं हैं दोस्तों कांग्रेस की सरकार है चालीस सीट इन्होंने जीती है 68 सीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री शिव प्रसाद शुक्ला दोस्तों नए गवर्नर बने हैं पहले यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलकर थे लेकिन अभी दोस्तों दो दिन पहले मैंने बताया कि तेरह गवर्नर चेंज हुए हैं तेरा राज्यपाल चेंज हुए हैं दोस्तों जो है वो जो है दोस्तों यहां के गवर्नर है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है दोस्तों भारत मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का कौन सा एडिशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है इंडिया मंगोलिया दोस्तों ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है तो इलेवेंथ दोस्तों मंगोलिया Uh, से अभी कंथक घोड़ा जो है दोस्तों मोदी जी को दिया गया था मंगोलिया से ही मुगल आए थे दोस्तों मंगोलिया के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है नो मेडिक एलिफेंट और मंगोलिया की कैपिटल जो है दोस्तों वो है उलान बाटर कौन सी है उलान बाटर तो इंडिया मंगोलिया की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है नई दिल्ली में हुई है दोस्तों जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बाइलेट्रल डिफेंस कोऑपरेशन को, को लेकर के और भी बहुत सारे एरिया में दोस्तों कॉपरेशन के लिए यह मीटिंग हुई है तो दोस्तों भारत ने जो है 1955 में मंगोलिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए थे उलान बाटर में दोस्तों भारतीय निवासी मिशन 1971 में ओपन किया गया था दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय के जी ट्वेंटी अधिकार समूह यानी जी ट्वेंटी ग्रुप की दोस्तों स्थापना बैठक किस शहर में स्टार्ट हुई है तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई है आगरा में आगरा में हुई है दोस्तों याद रखिएगा आगरा यानी कि यूपी यानी कि ताजमहल जो कि दोस्तों डोमेस्टिक टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने में नंबर वन रहा है ताजमहल दोस्तों आगरा में अभी जो है दोस्तों समन्वय नाम से भी एयरफोर्स का भी एक ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ दोस्तों एक एक्सरसाइज हुई थी आगरा में ओके दोस्तों जी ट्वेंटी जो 26 सितंबर 1999 को आया 2008 में दोस्तों पहली मीटिंग अमेरिका में हुई थी पहली सबमिट और अभी दोस्तों सबमिट हो रही है इंडिया में वो कौन से नंबर की है बताइएगा जी ट्वेंटी की जो सबमिट इस बार इंडिया में हो रही है दोस्तों वो कौन से नंबर की है दोस्तों ये आपको बताना है तो दोस्तों यहां पे देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर जी ट्वेंटी इम्पावर संगीता रेड्डी दोस्तों संगीता रेड्डी जो कि ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल की दोस्तों ये चेयरपर्सन है इम्पावर टू थाउजेंड की जो इम्पावर मीटिंग जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंसी में हो रही है दोस्तों इम्पावर का मतलब हो गया आपका महिलाओं के लिए महिलाओं को इम्पावर करना बच्चों को इंपावर करना तो इंपावर 2023 की कौन है हेड दोस्तों संगीता रेड्डी हैं सी ट्वेंटी की हेड माता अमृतांद मई हैं बी ट्वेंटी के हेड एन चंद्रशेखरन है जो टाटा सन्स के हेड हैं माता अमृता आनंद मई जो है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने जो है दोस्तों फरीदाबाद में ओपन किया था मोदी जी ने दोस्तों उसका उद्घाटन किया था ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस कंपनी ने माइटी के साथ साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान को शुरू किया को है डिजिटल फट कि सुरक्षा अभियान को दोस्तों जो है किन्ों शुरू किया है फटाफट से दोस्तों बताइए कि यहाँ पे डिजिटल सुरक्षा अभियान माइटी मिनिस्ट्री दोस्तों क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम वाली जो है ये होती है तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आती है और अभी डिजिटल पेमेंट उत्सव भी इन्होंने शुरू किया है इस मिनिस्ट्री ने डिजिटल पेमेंट उत्सव भी दोस्तों शुरू किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में टिक कर देना तो यहां मेटा के साथ दोस्तों डिजिटल सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है मेटा क्या है दोस्तों मेटा जो है ये फेसबुक की मदर कंपनी है इंस्टाग्राम की मदर कंपनी है और दोस्तों व्हाट्सएप की भी ये मदर कंपनी है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यहां पे जी ट्वेंटी के स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के तहत दोस्तों यहां मेटा के साथ साझेदारी की गई है तो दोस्तों डिजिटल सुरक्षा के पहले चरण में दोस्तों दिल्ली में यूजर्स को डिजिटल लिटरेसी प्रदान की जाएगी और दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में दोस्तों दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में से किया जाएगा ओके दोस्तों तीन दिवसीय थ्री डेज ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये किस देश में आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों पंद्रह फरवरी से ये होने जा रहा है यानी कल से होने जा रहा है और ये फिजी में होने जा रहा है कहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों फिजी में होने जा रहा है पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन 1985 में दोस्तों आ, नागपुर में हुआ था इसलिए दोस्तों जो है त, आ, आ, क्या कहते हैं Uh, 1985 में नहीं उसके भी पहले हुआ था शायद सेवेंटी फाइव में हुआ था तो दोस्तों तब से जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को 10 जनवरी को दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस दिन को याद करते हुए दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे वैसे हमारा हिंदी दिवस जो है दोस्तों वो तो 14 सितंबर को मनाया गया था जिस दिन हिंदी को दोस्तों भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया था फिजी की कैपिटल दोस्तों सुवा है और फिजियन डॉलर दोस्तों इसकी करेंसी है फिजी की कैपिटल क्या है सुबह है और फीजियन डॉलर जो है दोस्तों इसकी करेंसी है प्रेसिडेंट है विलियम कैटोनिवरे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं रबुका ठीक है क्लियर है चलिए दोस्तों क्वाड देशों हाल ही में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं है दोस्तों इसमें से कौन सा देश तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों जापान भी है अमेरिका भी है इंडिया भी है यूके इसका हिस्सा नहीं है क्वाड देशों का हिस्सा ये चाइना को घेरने के लिए बनाया गया दोस्तों चार देशों का ग्रुप है इसे 2007 में दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने सिंजो आबे जी ने है ना इन लोगों ने मिलकर के शुरू किया था इन्हीं चार दोषों के बीच में दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज भी होती है पहले मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों इंडिया और आ, अमेरिका के बीच में होती थी फिर जापान इंटर किया और फिर दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों इसमें इंटर कर चुका है ठीक है क्लियर है तो ये क्वाड का सिंजो सिंजो को को दिया गया था जिसके लिए सिंजो आबे जी को अमेरिका ने सम्मानित किया भारत ने दोस्तों पद्म विभूषण दिया सिंजो आबेजी को नेताजी पुरस्कार भी दिया है 2007 में सिंजो आबेजी दोस्तों प्रधानमंत्री थे वो 2005 में ही बन गए थे है ना दोस्तों अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है अप्पा साहेब धर्माधिकारी दोस्तों सोशल वर्कर है कौन है सोशल वर्कर है ओके सोशल वर्कर दोस्तों कामरान अकमल ने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है वह किस देश से हैं? तो कामरान अकबल दोस्तों पाकिस्तान के जो कैप्टन भी रहे हैं विकेट कीपर भी रहे हैं दोस्तों तो बहुत लंबे समय से दोस्तों वो रहे हैं। तो दो हजार दो यानी कि आप समझ लो तो करीब बीस इक्कीस साल इनको हो गए है कि नहीं दोस्तों फॉलोइ इज द ऑथर ऑफ न्यू नॉवेल विक्ट्री सिटी निम्नलिखित में से कौन नए उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक है तो विक्ट्री सिटी के लेखक है दोस्तों सलमान रोशदी सलमान रोशदी एक ऐसे लेखक है दोस्तों जिन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है और दोस्तों सलमान रोशदी के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है इन्होंने एक ऐसी विवादित बुक भी लिखी थी दोस्तों मिड नाइट चिल्ड्रेन नहीं, सेटेनिक वर्सेज वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए तो उनको बुकर प्राइज मिला था ठीक है तो दोस्तों शताब्दी की एक महिला की महाकाव्य कहानी है जो एक शहर पर शासन करने के लिए प्रतिसत्तात्मक दुनिया को चुनौती देती है यह उपन्यास मूल रूप से लिखे गए संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद होने का दोस्तों दावा करता है ठीक है क्लियर रहे, है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद रुजदी ने दोस्तों 1981 में अपने दूसरे उपन्यास मिड चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज जीता था बुकर प्राइज दोस्तों 1971 में वीएस नायपॉल ने जीता था वो पहला जो दोस्तों बुकर प्राइज था उन्होंने इन अ फ्री स्टेट के लिए जीता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोस्तों वो गीतांजलि श्री ने पिछले साल जीता है रेत समाधि के लिए डेजी रॉकवेल ने उसको अनुवाद किया था दोस्तों इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सेंड तो दोस्तों बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस होता है बुकर प्राइज दोस्तों इंग्लिश में लिखी हुई बुक होती है जिसे यूके की बुकर जो है इंग्लैंड की बुकर कंपनी uh, दोस्तों अवार्ड देती है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोस्तों बाद में शुरू हुआ है 1969 में ये बुकर वाला शुरू हो गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाद में शुरू हुआ है जो कि किसी और लैंग्वेज में लिखी होती है लेकिन उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो दोस्तों जो है जैसे रेत समाधि बुक हिंदी में लिखी गई थी तो पहली हिंदी वाली लिखी हुई बुक को मिला है दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाद में उसको डेजी रॉकवेल ने टॉम टॉम्बॉफ सेंड के रूप में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसलिए उसको यह अवार्ड मिला तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाली पहली जो इंडियन है वो गीतांजलि श्री हैं बुकर प्राइज पाने वाले बीएस एस नापॉल हैं लेकिन बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए तो दोस्तों वो अरुंधति रॉय हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए लेकिन अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइस के लिए पूछा जाए तो गीतांजलि श्री हो जाएंगी दोस्तों अगर सलमान रुजदी जी की नॉवेल्स को देखा जाए तो ग्रीमस दोस्तों है मिडनाइट चिल्ड्रन है शेम है सेटेनिक वर्सेस जिसकी मैंने बात किया था जिसमें अल्लाह से सवाल पूछे गए थे तो इनके खिलाफ फतवा जारी हुआ 1988 में मूर्स लास्ट साई ग्राउंड बीनी हर फेट फ्यूरी सालिमार द क्लाउन इन ऑफ फ्लोरेंस टू ईयर्स एट मंथ एंड ट्वेंटी एट नाइट्स गोल्डन हाउस क्विंशोट ऐसे बहुत सारी बुक्स इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखी है बात समझ में आ रही है क्लियर है दोस्तों वर्ल्ड यूनानी डे किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड यूनानी डे दोस्तों 11 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों यूनानी एक जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की विधि है एक चिकित्सा पद्धति है दोस्तों आयुष में ए से आयुर्वेद होता है वाई से जो है दोस्तों योगा होता है और नेचुरोपैथी लेकिन यू से क्या होता है आयुष में यू से क्या होता है तो आयुष में यू से यूनानी ही होता है दोस्तों ठीक है और लास्ट में एच आता है जिससे कि होम्योपैथी होता है तो 11 फरवरी को दोस्तों यूनानी डे मनाया जाता है यूनानी दवाओं की दुकानें भी आपको दिखती होंगी दोस्तों हकीम लोग दोस्तों यूनानी पद्धति का यूज़ करते हैं तो दोस्तों यह दिन समाज सुधारक और महान भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है हकीम अजमल खान की जयंती पर दोस्तों ये दिन मनाया जाता है थीम क्या रही है इस बार यूनानी डे की यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ दोस्तों पहला यूनानी डे जो है 2017 में मनाया गया था दोस्तों इसे कहाँ मनाया गया था हैदराबाद के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में दोस्तों आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है सर्वानंद सोनेवाल जी दोस्तों आयुष मिनिस्टर हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री थे दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली से दोस्तों चुन करके आते हैं ओके okay? क्लियर है दोस्तों विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट किस संस्था ने लॉन्च किया तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड टेड्रोस अधनॉम ट्रेड्रोस आधनॉम दोस्तों गेब्रेसियस हैं ठीक है और सेवन अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी इसीलिए मनाते हैं दोस्तों जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इस बार की जो थीम थी सेवन अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे की वो थी वन आवर प्लेनेट अवर हेल्थ दोस्तों विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल एलिया कौन सा देश इंटरनेशनल जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है तो दोस्तों ये इंडिया कर रहा है कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है यूएस ब्राजील दो दोस्तों दुनिया के बड़े बायोफ्यूल मार्केट है वो भी दोस्तों इंडिया के इस इनिशिएटिव में भाग ले रहे हैं बराबरी में साझीदार हो रहे हैं पार्टनर हो रहे हैं दोस्तों दोस्तों भारत ने जो है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में दोस्तों साढ़े तीन सौ बिलियन रुपए फोर पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर इसके लिए निर्धारित किए हैं दोस्तों पेरिस क्लब ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर्स नेशन का ये दोस्तों किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं पेरिस क्लब पेरिस क्लब है तो पेरिस में ही उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होना चाहिए तो ओपेक का हेडक्वार्टर तो है नहीं पेरिस में जी ट्वेंटी का भी नहीं है जी सेवन का भी नहीं है तो ओईसीडी सी डी का हेडक्वार्टर पेरिस में है तो ओईसीडी दोस्तों आंसर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसने भी जीडीपी फोरकास्ट सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट कहा था ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है दोस्तों जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है पेरिस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है ठीक है तो दोस्तों यहां पे, पे पेरिस क्लब जो 22 मेंबर वाला दोस्तों है ओ उसके मेंबर से बिलोंग करता है दोस्तों श्रीलंका को दोस्तों ये लोग लोन दे रहे हैं पेरिस क्लब हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द आई ये एफ की सपोर्ट करेंगे जो श्रीलंका को लोन दे रहा है उस आई को सपोर्ट करेगा कौन पेरिस क्लब ठीक है तो एक तरीके से रीफाइनेंस करेंगे दोस्तों किस फेमस पर्सनालिटी ने ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड जिसमें दोस्तों 50 मिलियन यूएस डॉलर फंड वीमेंस के लिए दिया गया है तो दोस्तों हिलेरी क्लिंटन जो कि बिल क्लिंटन पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका की उनकी वाइफ हैं अमेरिका की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं दोस्तों बराक ओबामा के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ी थी हिलेरी क्लिंटन दोस्तों फाउंडेशन भी चलाती हैं तो यह फिफ्टी मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड दोस्तों यहाँ पर दिया है महिलाओं के लिए दोस्तों चाहे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो या हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन हो या नीता अंबानी फाउंडेशन हो ये लोग दुनिया में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं तो दोस्तों इससे क्या किया जाएगा दोस्तों गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के कूड़ा गांव के पास नमक पान श्रमिकों को संबोधित करते हुए इस कोष की घोषणा की हिलेरी क्लिंटन दोस्तों भारत आई हुई गुजरात गई दोस्तों वाराणसी में भी आई काशी विश्वनाथ दर्शन किया और दोस्तों कल द्रौपदी मुर्मू जी ने भी काशी विश्वनाथ दर्शन किया गंगा आरती देखी हिलेरी क्लिंटन ने उसके एक दिन पहले किया था कल राहुल गांधी भी उतरना चाह रहे थे वाराणसी में लेकिन सरकार ने उतरने नहीं दिया क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत थी तो इसलिए किसी और को नहीं दी जा सकती थी दोस्तों वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस लाहौस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों भारत के अगले राजदूत के रूप में दोस्तों प्रशांत अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है इंडिया के एम्बेडर लाहौस में कौन है प्रशांत अग्रवाल ने अभी तक ये दोस्तों नेमीबिया में थे अभी लाउज में दोस्तों पहुंच गए हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों एक अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक जिसे अमेरिका की नासा और इंडिया की इसरो मिलकर बना रही है दोस्तों ये कब लॉन्च किया जाएगा किस ईयर में लॉन्च किया जाएगा इसे 2024 दो में दोस्तों जो है लॉन्च किया जाएगा ठीक है ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों लाल सिर वाले गिद्ध को अभी जो है दोस्तों रेड हेडेड वल्चर्स को अभी स्पॉट किया गया है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में देखा गया है दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है दोस्तों तो ये दिल्ली में दिल्ली में वो लाल सिर वाला गिद्ध देखा गया है दोस्तों जिसे कि एशियन किंग वल्चर कहा जाता है या पौडीचेरी वल्चर कहा जाता है जिसे एशिया का राजा गिद्ध कहा जाता है दोस्तों या गिद्ध कहा जाता है दोस्तों भारत में बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता था लेकिन एक बीमारी बढ़ी दोस्तों जिसे कि डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग कहा जाता है डेक्लोफेक आप लोग दवाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं उसी की वजह से दोस्तों इनकी जान चली गई दोस्तों पैसिफिक रीजन में दोस्तों प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव का मुकाबला करने के लिए किस देश ने दोस्तों जो है गुरुवार को सोलोमन आइलैंड में एक एम्बेसी को ओपन किया है सोलोमन द्वीप में एक दूतावास को खोला है तो दोस्तों जो है सोलोमन द्वीप में एक दूतावास को खोला है अमेरिका ने ताकि चाइना के ऊपर दोस्तों नज़र रखी जा सके चाइना जो भी पैसिफिक ओशियन में कर रहा है साउथ चाइना सी में करता है उस पर अमेरिका पूरी नजर रखता है दोस्तों ये क्या क्या कर रहे हैं तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो ये सोलोमन आइलैंड की जो कैपिटल है हो नहीं आ रहा वहां पर दोस्तों जो है इसे ओपन किया जा रहा है दोस्तों किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है आईटी मिनिस्ट्री ही करेगा अश्विनी वैष्णव इसके मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोस्तों जो है राजीव चंद्रशेखर जी हैं डिजिटल पेमेंट दोस्तों जो है अभी उत्सव इन्होंने शुरू किया तो डिजिटल इंडिया अभियान इसी के अंतर्गत सारे ऐप वेब पोर्टल ऑनलाइन गेमिंग सब इसी के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है सारी चीज चाइना के दो ऐप बैन करने हों चाहे जो करने हो यही देखता है दोस्तों हाल ही में आई की सेंट्रल आइस हॉकी टीम ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन जीता है आई ने दोस्तों जो है ये ट्वेल्थ एडिशन जीता है आइस हॉकी टूर्नामेंट का दोस्तों अभी गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम की भी शुरुआत हुई है तो आई ने दोस्तों इसे जीता है याद रखिएगा ओके आइस हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों ये कहां पे होता है लद्दाख में होता है कहां पे होता है लद्दाख में दोस्तों सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि हमारे देश में कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं सीएजी सी ए जी चेंज तो नहीं हुए हैं सीएजी चेंज तो नहीं हुए हैं एक बार देख के बताना हमारे देश के सी ए जी इस समय कौन है दोस्तों संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में आई थी उसके हेड है मिंग आठ कंट्रीज इसके मेंबर हैं रशिया चाइना पाकिस्तान दोस्तों इंडिया कजाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान आठ देश हैं ईरान दोस्तों नौवा मेंबर बनेगा इसका और बेलारूस इसका दसवां मेंबर बनेगा इस बार इंडिया में ही मीटिंग हो रही है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वैसे तो बीजिंग में है लेकिन पिछले साल उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसकी मीटिंग हुई थी समरकंद में मोदी जी गए थे ताशकंद में राजनाथ सिंह जी गए थे लेकिन इस बार इंडिया में हो रही है दोस्तों तो यहाँ पर जो है सिक्स संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की मीट हो रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों इस किस सिटी में इसको होस्ट किया इन्होंने लखनऊ में होस्ट किया कहां पे होस्ट किया मेरे भाई लखनऊ में जो है होस्ट किया है ठीक है क्लियर है भारतीय सीजीए हैं दास तो हैं तो है। दोस्तों विच स्टेट हैज वन हैल चैंपियन ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप के उद्घाटन चैंपियन जीते का खिताब जीता है तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप दोस्तों ये केरला ने जीता है दोस्तों अभी लक्षदीप के दो आइलैंड ने जो है दोस्तों उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है तो बारह बीचेस को दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है फटाफट बताइएगा दोस्तों किस क्रिकेटर ने एक सौ छब्बीस रन बनाए हैं टी क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बन गया टी ट्वेंटी में दोस्तों अभी तक 122 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे दोस्तों शुभमन गिल अभी दोहरा शतक मार दिए इधर एक रन बना दिए क्या चाहिए शुभमन गिल को बताइए तगड़ा खेलना है भाई साहब तिरसठ बॉल पे एक रन बना करके एक रिकॉर्ड ही बना दिया बारह चौवे सात छक्के दोस्तों शुभमन गिल ने लगाए हैं भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ किस कंपनी ने 1.7 मिलियन टन फास्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स के दोस्तों एनुअल इंपोर्ट के लिए मोरक्को के ओसीपी ग्रुप के साथ टाइप किया है मोरक्को के कंपनी के साथ टाइप किया है तो दोस्तों यहाँ पारादीप फॉस्फेट्स ने भी किया है चंबल फर्टिलाइजर ने भी किया है और राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर ने भी किया राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर ने भी किया है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की फरवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की पर्यावरण के लिए जीवन शैली दोस्तों मिशन लाइफ योजना जो है मोदी जी ने और यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरस ने केवड़िया में शुरू किया था एकता नगर में तो मिस दोस्तों जो है लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायरमेंट लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पहल दोस्तों ये जो है 2030 में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं को लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों जो है बचा सकती है तो दोस्तों ये जो है मिशन लाइफ जो है के बारे में कहा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडकोार्टर है दोस्तों पेरिस में और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों आई ए का वो वियना में है लेकिन इसका वियना में नहीं है इसका पेरिस में ठीक है तो इसने क्लेम किया है दोस्तों लाइफ जो है लेसन फ्रॉम इंडिया द बेनिफिट ऑफ एडवांसिंग द लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो लाइफ का फुल फॉर्म है ये इनिशिएटिव जो है ये दोस्तों बहुत अच्छा जो है काम करेगा 2030 तक ये दोस्तों 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है दोस्तों बचाएगा जो कि अर्थव्यवस्था में कुल ईंधन खर्च का लगभग पांच परसेंट है मिसल लाइफ से दोस्तों जो है 2030 तक में दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को दो बिलियन मीट्रिक टन से अधिक कम करने में मदद मिल सकती है दोस्तों ठीक है और 2070 तक तो इंडिया का टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन करने का तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात यहां पे हो रही है मतलब हमारी भारत के इनिशिएटिव को लोग पसंद कर रहे हैं टू बिलियन मीट्रिक टन दोस्तों इमिशन जो, जो है दो हजार तीस तक करेंगे ऑफ द इमिशन रिडक्शन रिक्वायर्ड है दोस्तों ग्लोबल नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने के लिए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड दोस्तों भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में तीसरी बड़ी शक्ति है और दस परसेंट इज करेंटली टेन परसेंट मोर एनर्जी इफिशियंट ग्लोबल एंड जी ट्वेंटी एवरेज जो ग्लोबल और जी ट्वेंटी एवरेज है उससे दस परसेंट ज्यादा एनर्जी दोस्तों ये बचाता है ठीक है, है दोस्तों फरवरी 2023 तक ग्रीन बॉन्ड को मजबूत करने के लिए सेबी के ढांचे के संबंध में कौन से पॉइंट सही है सेबी हैज स्टैंड ग्रीन ब्रॉन्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क बाई इंट्रोड्यूसिंग ब्लू एंड येलो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों इसको जरूर देखिएगा ठीक है ब्लू बॉन्ड किससे रिलेटेड है दोस्तों और येलो बॉन्ड किससे रिलेटेड है तो सेबी ने दोस्तों यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में दोस्तों ये दो बॉन्ड जो है बोले हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली फाइनेंस के लिए तो दोस्तों ये जो ग्रीन बॉन्ड डेप्थ सिक्योरिटीज है ब्लू बॉन्ड जो है दोस्तों ये वाटर मैनेजमेंट के लिए मरीन सेक्टर के लिए ब्लू बॉन्ड मतलब जो ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड होती है जो कि समुद्र से जुड़ी हुई होती है पानी से जुड़ी हुई होती है किससे रिलेटेड है क्रूड ऑयल से तो yellow economy, yellow revolution, revolution, ये संबंधित है तो ये पब्लिक और नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल प्रेफरेंशियल शेयर विल बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफ थ्री एंड मैक्सिमम ऑफ टेन वर्किंग डेज तो दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर हो या सिक्योरिटीज हो इसकी पब्लिक ऑफर दोस्तों यानी पब्लिक के सामने ये जो रखा जाएगा वो तीन से दस दिन के लिए रखा जाएगा तीन से दस दिन के लिए रखा जाएगा ठीक है क्लियर है ओके okay. बात समझ में आ रही है तो दोस्तों यहां पे ए और सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों बी वाला ऑप्शन गलत है बी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों क्योंकि जो है येलो जो है वो क्रूड ऑयल से जो है रिलेटेड नहीं होता है येलो जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होता है ठीक है बात समझ में आ रही है तो येलो जो है बॉन्ड वो किससे रिलेटेड है क्योंकि दोस्तों क्रूड ऑयल कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पॉल्यूशन करता है तो सस्टेनेबल क्या होगा दोस्तों जो कि पर्यावरण को बचाए जो कि सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फाइनेंस हो उसी क्रूड ऑयल कभी भी जो है वो नहीं हो सकता सस्टेनेबल में सोलर एनर्जी हो सकती है क्योंकि सोलर एनर्जी पोल्यूशन को बचाती है ठीक है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ओके बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे एक सी का नाम लिखा है सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नियम बताए हैं दोस्तों तो आप बताइए कि दोस्तों जो है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितनी हैं यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को दोस्तों जो है आ, के लिए नियम दिया हुआ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश में कितनी हैं और कौन सी अभी हटाई गई है दोस्तों केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में इंडिया अचीवर्स अवार्ड में वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा दोस्तों इंडिया यंग अचीवर अवार्ड मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट को दिया गया जिनका नाम है आर विष्णु प्रसाद आर विष्णु प्रसाद दोस्तों इनका नाम है छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं बिल्कुल सही बात है ब्रिक वर्क को हटाया गया बिल्कुल सही बात है दोस्तों उस पर्सनालिटी का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत सरकार के सचिव के पद पर प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया नेम द पर्सनालिटी वो हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दोस्तों शमिका रवि को बनाया गया है दोस्तों इसके हेड कौन है प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन हेड कौन है दोस्तों विवेक देबरॉय विवेक देबरॉय दोस्तों पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड है वो बात याद रखना होगा ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है रिसर्चर, दोस्तो, रिसर्चर है दोस्तों रिसर्चर हैं ये ठीक है दोस्तों ये जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन है भारत में दोस्तों ये जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में दोस्तों जो है काम करती है नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्टडीज प्रोग्राम की अमेरिका में 2017 से 19 तक ये दोस्तों पार्ट टाइम मेंबर थी लेकिन अब ये दोस्तों फुल टाइम मेंबर बनने आ गई हैं दोस्तों आरबीआई ने विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं के माध्यम से किए किए गए निवेश के हिस्से के रूप में डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को दोस्तों किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर नाइन करने की अनुमति दी है तो दोस्तों डी बैंक में दोस्तों जो है यहां पे अनुमति दी गई है 9.99 परसेंट हिस्सेदारी करने की अनुमति आर ने किसको दी है आरबीआई ने किसको दी है डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को दी है डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को दी है तो दोस्तों बात याद रखिएगा ओके क्लियर है तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स दोस्तों अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं तो दोस्तों डीएसपी म्यूचुअल फंड अभी जो है कि डीसीबी बैंक में 4.23 परसेंट शेयर होल्ड करता था अब जो मैक्सिमम लिमिट है 9.99 परसेंट वहां तक पहुंच रहा है दोस्तों 9.99 परसेंट पे क्यों रोक दिया जाता है क्योंकि इसके बाद दोस्तों फिर वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग हो जाएगी फिर ये दोस्तों जो है एफआईआई नहीं रह जाएगा फिर ये एफडीआई निवेश हो जाएगा दोस्तों अभी एजेंसी ने एक अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट दी है उसमें दोस्तों इसने कहा है कौन सा महाद्वीप 2025 तक दुनिया में उत्पादित बिजली का आधा उपभोग कर लेगा यानी कि दुनिया में दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका आधा कंज्यूम कर लेगा वो जहां आबादी ज़्यादा होगी वही करेगा तो एशिया करेगा एशिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी है चाइना की इंडिया की पाकिस्तान की बांग्लादेश की है ना इंडोनेशिया की तो दोस्तों ये सब बहुत आबादी वाले देश हैं जापान है तो दोस्तों जो है भाई जाहिर सी बात है कि एशिया में ही जरूरत पड़ेगी जहाँ लोग ज्यादा है वहीं पर होगी दूसरी ओर अफ्रीका जो है दोस्तों केवल तीन परसेंट यूज करेगा और फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा तो एशिया यूज कर लेगा सोचो दोस्तों जाने माने जो है कन्नड़ लेखक है दोस्तों के वी इन्हें दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुके हैं ठीक है थीके? इनका दोस्तों निधन हो गया है उन्हें अपने कविता संग्रह अक्षय काव्य के लिए किस वर्ष साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन्हें दो पंद्रह में दोस्तों अक्षय काव्य के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था दोस्तों फरवरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस शहर में पहले वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर और वीएफएस ग्लोबल एकेडमी का उद्घाटन किया है तो दोस्तों लखनऊ में किया है कहाँ पे किया है दोस्तों लखनऊ में किया है ठीक है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च न्यू ग्लोबल गेटवे फॉर द स्टेट विद द इनोग्रेशन ऑफ द फर्स्ट वी एफ एस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा अप्लीकेशन सेंटर एंड द वी एफ एस ग्लोबल अकेडमी इन लखनऊ इट इज लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द इंटर स्टेट बस टर्मिनल आलमबाग शालीमार गेटवे मॉल लखनऊ एक लाख बीस हजार आवेदन को संशोधित करने की इसकी क्षमता होगी दोस्तों चौबीस हजार वर्ग फुट में फैला यह जीवीएस ऑस्ट्रिया नीदरलैंड चेक रिपब्लिक स्विट्जरलैंड एस्टोनिया हंगरी पुर्तगाल जर्मनी इटली और सऊदी अरब जैसे दस देशों के यात्रियों की, की जरूरतों को पूरा करेगा दोस्तों कौन सा देश दुनिया में टॉप फाइव कंट्री में है टॉप फाइव रैंकिंग पे है दोस्तों पांचवी रैंकिंग पे है एग्रेडिटेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड के मामले में एग्रेडिटेशन मतलब होता है दोस्तों मान्यता प्राप्त मान्यता देने वाला दोस्तों मान्यता प्राप्त वाला तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया हैज बिन रैंक फिफ्थ अमंग 184 कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ इट एक्रेडिटेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स तो दोस्तों ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है पांचवी रैंकिंग है ठीक है क्लियर है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास ठीक है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम रैंकिंग में दोस्तों जो है भारत जो है दसवें नंबर पे है ठीक है क्लियर है दोस्तों किस दवा बनाने वाली कंपनी ने मीनाक्षी तेवतिया ने वतिया को दोस्तों भारतीय कारोबार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है तो दोस्तों फाइजर कंपनी ने जो है इंडिया के लिए मीनाक्षी तेवतिया को चुना है दोस्तों एडिशनल डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पांच साल के लिए चुना है फीजर फाइजर दोस्तों ये जो है दवा बनाने वाली कंपनी है ड्रग मेकर कंपनी है दोस्तों वो हैज पास द 500 लीग गोल मार्क इन हिस्स क्लब करियर जिन किन्ों ने दोस्तों अपने क्लब करियर में 500 गोल को पार कर लिया है दोस्तों अपने देश से पुर्तगाल से खेलते हैं तो 100 गोल से ज्यादा कर चुके हैं दोस्तों करीब 120 गोल से ऊपर कर चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दोस्तों जो है क्लब में अगर इनको देखा जाए पांच गोल मार चुके हैं तो क्लब दोस्तों अभी अल नासर सऊदी अरब के क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों 200 मिलियन से भी ज्यादा रुपए में दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया था सबसे महंगे खिलाड़ी ये बन गए थे दोस्तों और अभी दोस्तों अपना जो है उसी पैसे को दोस्तों जो है इन्होंने वसूल किया है जब अल अलवहदा को इन्होंने चार जीरो से हराया और ये चारों गोल दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही किए तो दोस्तों अल नासर का तो दोस्तों जो है कि पैसा वसूल हो गया चार जीरो से हरा दिया महंगे में इसीलिए लेडीज ओपन टाइटल तो दोस्तों इंडिया की गोल्फर हैं अदिति अशोक इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में भी भारत का नाम रोशन किया था चौथे नंबर पे थी एक नंबर ऊपर रहती तो मेडल ले आती लेकिन कोई बात नहीं हम लोग पहले बार ही पहुंचे और ओलंपिक में चौथे नंबर पे पहुंच गए ये बहुत बड़ी बात है ऐसे ही दोस्तों फेंसर भी हमारे यहाँ पहुंची तो हम लोग अभी 33 गेम में से अट्ठारह ही गेम खेल पाते हैं भवानी देवी तलवारबाज पहुंची यही अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया तो दोस्तों जो है अभी हमें 33 गेम खेल लेंगे तब जाके हम तो मेडल एडल लाएंगे पहले खेलते ही नहीं हम अट्ठारह ही गेम खेलते हैं ओलंपिक में दोस्तों किस भारतीय अभिनेत्री को गूगल डूडल ने दोस्तों जो है सम्मानित किया गूगल ने अपने डूडल में स्थान दिया है मलयालम सिनेमा में दोस्तों पहली महिला लीड रोल के रूप में दोस्तों ये जो है काम कर चुकी हैं मलयालम दोस्तों ये जो है केरल की लैंग्वेज है ठीक है तो दोस्तों पी के रोसी जी को दोस्तों सम्मान दिया है गूगल ने उनका डूडल बना के दोस्तों सैमसंग सेमी कंडक्टर इंडिया रिसर्च ने ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की सैमसंग ने दोस्तों आई बेंगलोर के साथ साझेदारी की? की है सैमसंग ने किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों आई बेंगलोर ने साझेदारी की दोस्तों मैंने तेरह गवर्नर्स के जो चेंजेस हुए हैं अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में पढ़ाया है तो उसे जरूर देख लीजिएगा शॉर्ट्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों इंश्योरेंस मॉल किसने लॉन्च किया है तो बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया है दोस्तों बजाज इलियास लाइफ इंश्योरेंस ने भारत का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड भी लॉन्च किया था दोस्तों ऊपर देखिए हेडिंग क्या लिखा है सिक्स ए एम पे डेली करेंट अफेयर पे इंश्योरेंस की पाठशाला दोस्तों बजाज फिनसरब जो है दोस्तों दसवीं मूल्यवान कंपनी है भारत की ठीक है अडानी से ऊपर है नौवे नंबर पे ये दसवें पे अब तो खैर अडानी बाहर हो गए होंगे मेरे हिसाब से एलआईसी वापस से टॉप टेन में आ गई होगी दोस्तों इंश्योरेंस मॉल की व्यवस्था बजाज फाइनेंस दोस्तों 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 शुरू कर रही है। से अधिक पॉलिसीज़ पौ, पे मिलेंगी। वो फोर व्हीलर व्हीलर की पॉलिसी हो, 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 हो। हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस लाइफ हो, कुछ भी हो, टू रविचंद्रन अश्विन आर अश्विन दोस्तों नवासी मैचों में साढ़े चार सौ विकेट इन्होंने पूरे किए ऐसे ये नौवे खिलाड़ी हैं दोस्तों ऐसे ये नौवे खिलाड़ी हैं लेकिन दोस्तों सबसे तेज अगर किसी इंडियन ने किया है तो वो आर अश्विन ने किया तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने करंट अफेयर्स को आज कंप्लीट किया दोस्तों तो मज़ा आ गया बहुत बढ़िया आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी वैलेंटाइन डे मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यार करता हूँ आई लव यू लव यू ऑल तो दोस्तों खुश रहिए मस्त रहिए हैव नाइस डे जाइए दिन इंजॉय करिए और दोस्तों मेरी क्लास आज शाम को छः बजे एल वाली होगी इंश्योरेंस की पाठशाला और नौ बजे वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी कल भी वीकली की थी आज भी वीकली है दोस्तों और ये करीब करीब दो वीक का है इसलिए दोस्तों टाइम लग रहा है दो वीक की क्लास अपनी चल रही है टू वीक की तो दोस्तों इसलिए जो है इसमें हम लोग का टाइम भी लग रहा है ठीक है तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत बाय टेक केयर लव यू ऑल